भारतीय जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीमसेना प्रमुख आर आर पंडियन ने नवी मुंबई में डांस बार और लेडीज बार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पंडियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वेटर को काम उपलब्ध कराने पर ही उन्हें नौकरी देनी पड़ती है, तो इस सब की जड़ बाला अन्ना और मंजिया अन्ना हैं। ये लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा चुके हैं। पंडियन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और बार संचालक अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं। वे भीम आर्मी को लेकर सड़क पर उतरेंगे। इस बार के वजह से जो बार लाइन में इतना प्रोसेसिंग बढ़ गया है कि आज जो झूले झूले बार जो स्टीवर्ड वेटर काम करते थे, आज उनका ऐसा जो उनकी उम्र हो गई है, तो उनका बोलना ये है कि आज की तारीख में जो बार मालिक है या बार का मैनेजमेंट है, जो डिस्को के मैनेजमेंट है, उन लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको स्टीवर्ड या वेटर की नौकरी करनी होगी तो आपको चार पांच लड़कियां डालनी होगी। मतलब ये हाल हो गया है। जो लोग ने 20-20, 15-15, 30-30 साल जो काम किए बार में वेटर लोग, उनका ये परिस्थिति, उन्होंने खुद मेरे को आके घर पे बताया, लेकिन वो नाम बताने को और कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला ये हमारी जो बात है आप रखो सिस्टम में, तो बोला हमको कहीं ना कहीं मतलब न्याय मिलेगा, नहीं तो आपको न्याय मिल नहीं पाएगा।